गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट टीवीएस, चैप्टर नंबर थर्ड। प्ले टाइम इज फन टाइम, मीन्स खेलने का समय मज़ेदार है। पेज नंबर 20। बच्चों, कल हमने इस चैप्टर के जो है वर्ड मीनिंग्स किए थे। लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर रीडिंग। ओके, पेज नंबर 20, चैप्टर नंबर थर्ड। प्ले टाइम इज फन टाइम, यानी कि खेलने का समय कैसा है? मज़ेदार समय है ना। आई एम अ चाइल्ड, आई एम नॉट मीन टू सिट स्टिल, कीप माई हैंड्स टू माई सेल्फ, टेक टर्न्स, स्टैंड इन अ क्यू एंड बी पेशेंट। क्या होता है, मैं एक बच्चा हूँ, ये बोलता है, एक बच्चा बोल रहा है, मैं एक बच्चा हूँ, आई एम नॉट मीन टू सिट स्टिल, मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता, कीप माई हैंड्स टू माई सेल्फ, मुझे अपने आप करने दीजिए, जो भी काम है मुझे आप अपने आप करने दीजिए। टेक टर्न्स, स्टैंड इन अ क्यू, और मैं क्या करता हूँ, टर्न्स लेता हूँ, यानी कि गिरता भी है और पड़ता भी है और उठता भी है, ठीक है। और स्टैंड इन अ क्यू, और क्या, खड़े रहिए लाइन में, आप खड़े रहिए, एंड बी पेशेंट, आप धैर्य रखिए, आप खड़े रहिए, आप देखते रहिए मैं क्या करता हूँ, कैसे खेलता हूँ, क्योंकि जो एक बच्चा है वो जब तक खुद से नहीं करता है तो वो खुद भी नहीं सीख पाता, इसलिए बोलते ना ब्रीफ प्रैक्टिकली, है ना। उसके बाद है, आई नीड मोशन, नॉवल्टी एंड एडवेंचर, और मुझे आवश्यकता है किसकी, मोशन मीन्स गति की, नॉवल्टी मीन्स उपहार की, एंड एडवेंचर जोखिम पूर्ण कार्य करने की। आई नीड टू प्ले, अब मुझे आवश्यकता है खेलने की, एंड ट्रस्ट मी, मुझ में विश्वास करिए, आई एम लर्निंग, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। प्लेइंग टीचेस अस हाउ टू फेस द वर्ल्ड, खेलना हमें सिखाता है कि हमें संसार से कैसे फेस करना चाहिए, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, और कैसे समस्याओं का समाधान करना चाहिए, हाउ टू कम्युनिकेट एंड एंजॉय थिंग्स, और कैसे हमें एक दूसरे से संपर्क बनाना चाहिए और कैसे हमें आनंद लेना चाहिए। रिक्रिएशन मीन्स क्या होता है, मनोरंजन, इज डूइंग समथिंग टू रिलैक्स एंड हैव फन, वो होता है जो मनोरंजन होता है, वो कैसे होता है, रिलैक्स एंड हैव फन, उसमें हम क्या करते हैं, विश्राम करते हैं और क्या करते हैं, बहुत ही मज़े लेते हैं। देयर आर सेवरल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, रिक्रिएशन के बहुत सारे मतलब हैं, बट द मोस्ट रिलैक्सिंग ऑफ देम इज प्लेइंग गेम्स, लेकिन जो एक खेल जो है, खेल खेलना, ये सबसे आरामदायक है। विच इज़ योर फेवरेट गेम, आपका फेवरेट गेम कौन सा है बताइए, यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, इट इज़ एन आउटडोर गेम और एन इंडोर गेम, वो एक आउटडोर गेम है या इंडोर गेम है। इट इज़ अ टीम गेम और ए सोलो गेम, वो टीम गेम है या सोलो गेम है ना, फिल कर देना यहाँ पे। गेम्स एट होम, देर आर मैनी गेम्स, जो गेम्स हम घर में खेलते हैं, ठीक है, दे आर मैनी गेम्स, वो बहुत सारे गेम्स हैं दैट वी प्ले एट होम, हम गेम में खेल घर में खेलते हैं। सम ऑफ देम आर, कुछ जो है इंडोर गेम्स है, लूडो, चेस, कैरम, वीडियो गेम्स, प्ले स्टेशन एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, इंडोर गेम्स है। सम गेम्स आर आउटडोर गेम्स, कुछ जो गेम्स है वो क्या है, आउटडोर गेम्स है, लाइक क्रिकेट, हाइड एंड सीक और पिट्ठू एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, आउटडोर गेम्स है। सम गेम्स आर आउटडोर गेम्स, कुछ जो होते हैं आउटडोर गेम्स होते हैं, जैसे क्रिकेट है, हाइड एंड सीक है, ठीक है, एक्सेट्रा, पिट्ठू है, पिट्ठू भी बाहर ही खेलते हैं ना, तो वो भी। बोथ टाइप ऑफ गेम्स आर इंटरेस्टिंग एंड वेरी पॉपुलर अमंग द चिल्ड्रन, कुछ जो गेम्स हैं बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मीन्स मज़ेदार है। देर आर डिफरेंट गेम्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एज ऑफ ग्रुप, जैसे छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के लिए अलग गेम्स होते हैं और बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए अलग गेम्स होते हैं, मीन्स डिफरेंट एज ग्रुप्स, अलग अलग एज के जो ग्रुप्स के जो बच्चे हैं उनके लिए गेम्स अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है, गेम्स एट स्कूल, गेम्स जो हम स्कूल में खेलते हैं, गेम्स प्लेड स्कूल आर रिलेटेड टू लर्निंग, जो गेम्स जो हैं स्कूल में खेले जाते हैं वो सीखने से संबंधित होते हैं ना। सम ऑफ द गेम्स आर प्लेड इनसाइड द क्लासरूम, कुछ जो गेम्स होते हैं वो क्लासरूम में खेले जाते हैं, गेम्स जो आपका पीरियड होता है ना गेम्स पीरियड में, लाइक क्रॉसवर्ड्स, वर्क पहेली, जिक्सा, पजल, डम, क्रेडिट्स एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, इंडोर गेम्स हैं जो आपके स्कूल में खेले जाते हैं। दे आर ऑल ब्रेक
rainy games. They generally are played in a groups in the games period. Some games are played in the school playground like cricket, hockey, hide and seek, etc. कुछ जो गेम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेनी गेम्स होते हैं. जो क्लास में हम खेलते हैं वो सारे क्या थे, ब्रेनी गेम्स थे. लेकिन कुछ जो गेम्स होते हैं ग्रुप्स के अंदर खेले जाते हैं स्कूल में, पीरियड गेम्स जो पीरियड होता है उसमें ग्राउंड के अंदर, स्कूल का जो ग्राउंड होता है ना वहाँ पे खेलते हो आप लोग क्रिकेट, हॉकी, हाइड एंड सीक आदि. दे कैन बी प्लेड इन द पार्क, और पार्क में भी खेले जाते हैं. नियर अवर हाउसेज बट नॉट ऑन रोड्स, हमारे घर के जो आसपास पार्क होता है उसमें भी बच्चे खेलते हैं. और इनसाइड अवर हाउसेज, घरों में भी खेलते हैं लेकिन रोड पे गेम्स नहीं खेलते. एज दे कैन केस इंजरी और डिस्टर्ब अदर्स, और क्या होता है उससे अगर हम रोड पे खेलेंगे तो क्या होगा, चोट लग जाएगी और क्या हो जाता है, परेशान हो जाते हैं और लोग क्या होंगे, परेशान होंगे. जो व्हीकल्स जाएंगे वो रुकते थोड़ी ना बीच में, वो लोग क्या होंगे, परेशान हो जाते हैं. इसलिए हमें रोड पे नहीं खेलना चाहिए. प्लेइंग टुगेदर मीन्स साथ में खेलना. व्हेन प्लेइंग इन ए ग्रुप ऑफ और टीम, जब हम ग्रुप में खेलते हैं या टीम में ही खेलते हैं, मेक श्योर दैट ऑल चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन प्लेइंग एंड डू एंड नो वन इज इग्नोर्ड. क्या होता है जब हम ग्रुप में खेलते हैं तो सारे बच्चे उसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं. किसी को भी हम उसमें इग्नोर नहीं कर सकते. बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन टुगेदर प्ले ऑल गेम्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स सारे जो हैं एक साथ खेल खेल सकते हैं. प्लेइंग टुगेदर इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस, हारमोनी एंड रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर. एक साथ खेलना क्या बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, विश्वास, हारमोनी, तालमेल एंड रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर. एक दूसरे के प्रति क्या होता है, भावना भी हमारी क्या होती है, आदरपूर्ण भावना हमारे हमारी उनके लिए जागृत होती है. वी शुड नॉट बी बियस टूवर्ड्स एनी कास्ट, रिलीजियस और इकोनॉमिक स्टेटस. और हमें क्या नहीं करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए. मीन्स जो स्कूल में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं ना, जब आप लोग साथ में खेलते हो तो कोई मुस्लिम होता है, कोई सिख होता है या फिर कोई हिंदू होता है, तो हमें उनके साथ क्या नहीं करना चाहिए, पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट आपका आता है प्लेइंग ए फेयर गेम, ये हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, और जितना भी चैप्टर मैंने आज पढ़ाया उसका रीड कर लेना और उसकी हिंदी भी साथ में कर लेना, है ना. ओके बच्चों, थैंक यू.